मऊगंज विधायक को मऊगंज की घटना के बाद रीवा के सामुदायिक भवन में नजरबंद कर रखा गया। साथ ही उनके खिलाफ पुलिस ने धारा 126, 135, 170 BNSS के तहत धारा लगाकर अपराध दर्ज किया है। आज मऊगंज के प्रभारी मंत्री उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन करीब 3 घंटे की चर्चा के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। प्रभारी मंत्री ने बताया कि विधायक अतिक्रमण पर कार्रवाई न होने को लेकर नाराज हैं। गौरतलब है कि 19 नवंबर को मऊगंज जिले के देवरा महादेवन मंदिर परिसर में जमकर बवाल हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर से हमला कर दिया। मौके पर उपस्थित पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को सुरक्षा की दृष्टि से घटना स्थल से निकालकर सुरक्षित रीवा के सामुदायिक भवन में लाकर पुलिस निगरानी में कैद कर दिया। चर्चा पूरे पार्टी के लोग हैं, हमारे विधायक हैं, तो उनसे सब बातचीत कर रहे थे, हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आपने फोटो आए होंगे बाहर, आपके पास चना खाते हुए। हम जो अतिक्रमण की बात है, जो आप सबको जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस सूचना दी गई थी, वो सूचना के तहत काम क्यों नहीं हुआ, अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, वो उस बात को लेके वहाँ बातचीत हुई थी। व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, कोई पार्टी थोड़ी कहती है यार, क्या 3 घंटे में हम अकेले यही बात थोड़ी करते हैं कि बाकी सब चीज़ें भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। सिंपल सी मांग है यार, जिस बात को लेके ये हुआ है कि अतिक्रमण जो शासन ने आदेश दिया वो